इलेक्शन से पहले बानी पीटीआई के लिए बड़ा अपसेट। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त फौरी सुनने से इनकार कर दिया। वकील ने दलाइल दिए, 30 दिसंबर से पहले सजा की मुअत्तली जरूरी है वरना अडियाला जेल में कैद साबिक वजीर आजम इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस तारिक मसूद ने रिमार्क दिए, इस हफ्ते तीसरा जज दस्तयाब नहीं, आप बताएं किसको पकड़ कर बिठाएं। जस्टिस अतरमदुल्ला बोले, हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल भी हो जाए तो फायदा नहीं, सजा मुअत्तल होने पर पूरा फैसला मुअत्तल होने की कोई नजीर मौजूद नहीं है। आप एक ऐसी चीज चाहते हैं जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। 3 रुकनी बेंच ही केस पर समाअत कर सकता है। अदालत ने बानी पीटीआई की अपील को नंबर अलॉट कर दिया। इलेक्शन से पहले बानी पीटीआई के लिए बड़ा अपसेट। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त फौरी सुनने से इनकार कर दिया। वकील ने दलाइल दिए, 30 दिसंबर से पहले सजा की मुअत्तली जरूरी है वरना अडियाला जेल में कैद साबिक वजीर आजम इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस तारिक मसूद ने रिमार्क दिए, इस हफ्ते तीसरा जज दस्तयाब नहीं, आप बताएं किसको पकड़ कर बिठाएं। जस्टिस अतरमदुल्ला बोले, हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल भी हो जाए तो फायदा नहीं, सजा मुअत्तल होने पर पूरा फैसला मुअत्तल होने की कोई नजीर मौजूद नहीं है। आप एक ऐसी चीज चाहते हैं जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। 3 रुकनी बेंच ही केस पर समाअत कर सकता है। अदालत ने बानी पीटीआई की अपील को नंबर अलॉट कर दिया। एक और अहम खबर, साबिक वजीर खारजा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी रिहाई ना मिली। अडियाला जेल से निकलते ही शाह महमूद कुरैशी को जीएचयू हमला केस में गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीके इंसाफ के वाइस चेयरमैन ने मजामत भी की, कहते रह गए कि वो बेगुनाह हैं, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, मगर रावलपिंडी पुलिस ने एक ना सुनी, जबरदस्ती बख्तरबंद गाड़ी में बिठाया और ये जा वो जा। सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया और ये मुझे दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं झूठे मुकदमे में। मैंने कौम की तर्जुमानी की है, मैं बेगुनाह हूँ और ये मुझे बिला वजह इंतकामी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। साबिक वज़ीर ख़ारजा से गैर महज़ब सलूक हुआ, ऐसे वाक़यात मुनासिब नहीं, सदर ममलकत का रद्द अमल। सोशल मीडिया पर पैगाम में आरिफ अलवी ने कहा, कागजात छीनने और मुजाहरीन के खिलाफ बेरहमाना कार्रवाई की गई, ऐसी रियासत नहीं बनना चाहिए जहां इंसानी हकूक और वक़ार पामाल किया जाए, पाकिस्तान को बदलना होगा। तो आपको बता रहे हैं कि साबिक वज़ीर ख़ारजा से गैर महज़ब सलूक हुआ, ऐसे वाक़यात मुनासिब नहीं, सदर ममलकत की जानिब से ये रद्द अमल सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट शाह महमूद की गिरफ्तारी का नोटिस ले, बैरिस्टर गौहर का मुतालबा, कहा शफाफ इंतखाबात के लिए जरूरी है गिरफ्तारियां ना की जाएं। 3 MPO बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, 3 MPO का मकसद नया केस बनाने तक नजर बंद रखना है। शाह महमूद कुरैशी साहब को पहले भी कई मरतबा ऐसे बार बार अरेस्ट होता रहा, इसका मकसद ये है कि जब तक आप कोई और नया केस ना तैयार करो तो आप उसको रिटेन करो 3 MPO को। ये लोगों की बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। मेरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिक्वेस्ट होगी कि आपने इसमें एक्शन लिया था। मैं आज सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस मामले को देखिए, आपने बेल ग्रांट किया, आपने सब कुछ लिखा, जिस ग्राउंड पे आपने बेल ग्रांट किया वो ये है कि वो एक सीनियर पॉलिटिशियन थे, उसने पार्टिसिपेट करना है इलेक्शन में। इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होने के लिए ये जरूरी है कि सब लोगों की पार्टिसिपेशन, ये उनमें से एक ग्राउंड है। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानों ने वालिद की गिरफ्तारी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में मेहरबानों कुरैशी का कहना था कि शाह महमूद कुरैशी को गैर कानूनी तौर पर पाबंदे सलासल किया गया, शाह महमूद से जो सलूक किया गया वो शफाफ इंतखाबात की नफी है, इलेक्शन कमीशन एक्शन ले। किसी भी को यही बताने आए हैं कि शाह महमूद कुरैशी जो कि एक कैंडिडेट भी हैं और वाइस चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको जिस तरीके से अडियाला के बाहर से धक्के देकर तजलील कर घसीट के लेके गए हैं, वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की एनवायरनमेंट की नफी करता है। इस पे एक्शन लें, जिस तरीके से ये हो रहा है, ये जो एनवायरनमेंट है एक शफाफ मुनसिफाना इलेक्शन की, ये उसको मुतासिर कर रहा है।